हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज को वीडियो में आपने जो टाइटल देखा, इस टाइप से स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको काई मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी से काई मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर रखा, तो इसके बाद आपको क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको रेशियो को सिलेक्ट कर लेनी है। तब आपको फुल स्क्रीन वाली साइज को सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और इसके बाद आपको इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ब्लैक कलर वाला बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर वाला बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद आपको इसकी लेंथ को बढ़ा लेनी है। जितने सेकंड तक आपको व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो इतने सेकंड तक आपको इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है। ठीक है गाइस, तो आपको 30 सेकंड तक इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है कुछ स्टेप से। तो देखो गाइस, मैंने कुछ स्टेप से 30 सेकंड तक इसकी लेंथ को बढ़ा लिया। तो इसके बाद देखो फिर से आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में देखो फिर से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के देखो मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करने है। और इसके बाद देखो मॉडल की इमेज को आपको ऐड कर लेना है। जैसे कि मॉडल की इमेज को ऐड करने के देखो इसको इसी को फुल साइज में कर लेना है। और इसके देखो मॉडल की इमेज को कुछ स्टेप से आपको फुल स्क्रीन में कर लेना है, कुछ स्टेप से आपको जूम कर लेना है। ठीक है गाइस, जैसे कि गाइस कुछ स्टेप से जूम करने के देखो मॉडल की इमेज की इसकी लेंथ को आपको बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। कुछ स्टेप से बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको मॉडल के इमेज पर क्लिक करना है। जैसे कि मॉडल के इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको इसी को साइड की तरफ कुछ स्टेप से आपको खिसका लेना है। ठीक है गाइस, जैसे कि साइड की तरफ कुछ स्टेप से खिसकाने के बाद आपको की वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि की वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा 10 सेकंड तक आगे जाने के बाद आपको फिर से आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। जैसे कि प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसी को लेफ्ट साइड में कुछ स्टेप से आपको खिसका लेना है। ठीक है गाइस, लेफ्ट साइड में कुछ स्टेप से खिसकाने के बाद आपको फिर से आगे की तरफ 10 सेकंड तक आगे जाने के बाद आपको फिर से आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी। और इसी के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको कुछ स्टेप से आपको राइट साइड में कुछ स्टेप से खिसका लेना है। ठीक है गाइस, और इससे के बाद आपको गाइस क्या करना है, सिंपल आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेते। और इसी को आपको फिर से आपको एंड में जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको फिर से आपको प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसी को लेफ्ट साइड में कुछ स्टेप से गाइस आपको खिसका लेना है। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस मैंने कुछ स्टेप से खिसका लिया। और इसी को देखो राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी। और इसी को देखो फिर से आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में देखो फिर से मैं वीडियो को प्ले कर दिखाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, फोटो मोमेंट करने के वाला स्टेटस कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका। तो इसी को देखो फिर से आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में देखो फिर से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और इसी को देखो मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के देखो इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी। और इसी को देखो व्हाइट कलर वाला बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि व्हाइट कलर वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के देखो इसी को कुछ स्टेप से आपको जूम कर लेना है। जैसे कि इस चीज़ को फुल स्क्रीन में कुछ स्टेप से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको नीचे की तरफ कुछ स्टेप से आपको खिसका लेना है, कुछ स्टेप से आपको इसी को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, जैसे कि इस कुछ स्टेप से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से आपको लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और इसी के बाद आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको लाइनर मार्क्स वाला जो इफेक्ट है तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको इसको डाउनलोड कहाँ से करना है, सिंपल से आपको ग्रेट मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी है। और इसी के बाद आपको थोड़ा सा खिसकाने के बाद आपको मार्क्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो लाइनर मार्क्स वाला जो इफेक्ट है तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी से इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। जैसे कि इस बैक करने के बाद आपको फिर से जो लाइनर मार्क्स वाला इफेक्ट है तो आपको इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इफेक्ट को आपको अप्लाई कर लेना। और इसी के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको सिंपल से आपको इसी को बैक कर लेना कुछ इस टाइप से। और इसी के बाद आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा खिसकाने के बाद आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसी को व्हाइट कलर वाला बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना कुछ इस टाइप से। और इसी के बाद आपको थोड़ा सा खिसकाने आगे तरफ खिसकाने के बाद आपको वेदर को आपको 30% कर लेना कुछ इस टाइप से। ठीक है, वेदर को 30% करने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको लाइनर वाला इफेक्ट पर क्लिक करनी। और इसी के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना। तो देखो काफ़ी अच्छे तरीके से शेडो इफेक्ट ऐड हो चुका। तो इसी के बाद आपको क्या करना है गाइस, आपको इसे जो बैकग्राउंड का आपको स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से आपको स्टार्टिंग में आने के बाद आपको लाइनर को भी आपको स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस मैंने कुछ स्टेप से स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। तो इसके बाद आपको फिर से आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको फिर से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। और इसके बाद आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ठीक है गाइस, डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी वीडियो में मटेरियल यूज़ करता हूँ सब मटेरियल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, भैया के डाउनलोड कर लीजिए। और आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूँ, ये वीडियो देखकर आप मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपको करना क्या, सिंपल आपको लाइटिंग वाला वीडियो को ऐड कर लेना। जैसे कि गाइस लाइटिंग वाला वीडियो को ऐड करने के बाद आपको कुछ स्टेप से आपको इसी को फुल स्क्रीन में कर लेना है। जैसे कि कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन में करने के बाद आपको इसी को आगे की तरफ कुछ स्टेप से आपको खिसका लेना है। और कुछ स्टेप से आपको इसी को एडजस्ट कर लेना। ठीक है गाइस, और इसके बाद आपको थोड़ा सा खिसकाने के बाद आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे कि ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो को मैं प्ले कर दिखाने वाला हूँ।
तो देखो गाइस काफी अच्छी तरीके से लाइटिंग वीडियो ऐड हो चुका है। तो इसके बाद देखो फिर से आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में आने के बाद देखो फिर से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने और मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। ठीक है गाइस, जैसे कि डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो वाइट स्क्रीन लेयरिंग वाला वीडियो को ऐड कर लेना। और इसके बाद क्या करना है गाइस, इसी को नीचे की तरफ कुछ स्टेप से आपको खींच कर लेना और कुछ स्टेप से आपको इसी को एडजस्ट कर लेना। ठीक है गाइस, जैसे कि कुछ स्टेप से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से मैं वीडियो को प्ले कर दिखाने वाला हूँ। तो देखो गाइस काफी अच्छी तरीके से जो व्हाइट स्क्रीन लेयरिंग्स भी ऐड हो चुके थे, इसको देखो फिर से आपको स्टार्टिंग में ना, जैसे कि स्टार्टिंग में ना देखो इसी को आपको सही तरीके से एडजस्ट कर लेना। ठीक है गाइस, तो चलो मैं इसी को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इसको इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी, लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी और इसको देखो फिर से डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ पीएनजी को ऐड कर लेता हूं। ठीक है गाइस, PNG को ऐड करने के बाद आपको PNG पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा खींच करने के बाद आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको आर्ड लाइट वाला इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है गाइस, और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको फिर से PNG पर क्लिक करनी और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको कुछ स्टेप से आपको एडजस्ट कर लेना। ठीक है गाइस, जैसे कि गाइस कुछ स्टेप से एडजस्ट करने के बाद आपको इस लेंथ को आपको स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है गाइस, तो चलो मैं इसको स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूं। जैसे कि गाइस स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से आपको स्टार्टिंग में ना, जैसे कि स्टार्टिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से मैं इसी को PNG को मैं सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो देखो गाइस मैंने कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लिया। तो इसके बाद आपको फिर से स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में आने के बाद आपको फिर से लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी और मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है और इसके बाद आपको फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी को ऐड कर लेना और इसके बाद इसी को भी आपको फुल स्क्रीन में कर लेना है और इसकी लेंथ को आपको स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है गाइस, तो चलो मैं स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि स्टेटस के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपको बॉर्डर पेंजी पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा खिसकाने के बाद आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इसी को भी आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करनी और इसके बाद आपको फिर से आपको स्टार्टिंग में, जैसे कि स्टार्टिंग में आने के बाद मैं फिर से वीडियो को प्ले कर दिखाने वाला हूँ। तो देखो गाइस काफी अच्छे तरीके से फोटो मोमेंट करने वाला व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद कोई स्टेटस वीडियो को आपको सेव कर लेना है, तो आपको इसी को शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 1080 पर वीडियो को सेव कर लेना है। ठीक है गाइस, तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ने आपने अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।